स्टूडेंट्स वेलकम टू माई चैनल तारा जी। अज आप फिर हाजिर हाँ एक वधिया जे सैशन दे नाल जिसका नाम है परसनल हाइजीन। ठीक है, परसनल हाइजीन का मतलब मैं थोड़ा पहले ही दस चुकी हाँ कि अपनी मीनस जो साफ सफाई है उसके वाल असी किमें ध्यान देना है। तेरा जी बहुत ही ज़्यादा इंट्रस्टिंग चैप्टर है जिस असी बहुत ही वधिया आदतों बारे सीखांगे जो कि सानू परसनल हाइजीन दे विच हेल्पफुल होणगियां। तेरा जी फस्ट ऑफ ऑल असी गल करते हैं कि परसनल हाइजीन की होंगी है। कोई भी आदत हो सकती है या कोई भी प्रैक्टिस हो सकती है जो कि सानू अपने आप नू क्लीन या साफ रखने दे विच हेल्प करती है। जदों भी असी साफ सफाई की गल करते हैं असी अगर इसनू ध्यान दे विच रखते हैं तो यह साड़ी जो हेल्थ है या साड़ी जो सेहत है उसनू की करती है साफ रखने विच हेल्प करती है। अगर असी वधिया हेल्दी होवांगे तो इस दे नाल की होवांगे असी रेगुलर होवांगे अपने स्कूल दे लई या कॉलेज दे लई या काम दे लई। अगर असी साफ सफाई वाल ध्यान नहीं रखांगे तो असी बीमार हो जाएंगे तो असी अपने काम दे उत्ते रेगुलर नहीं हो सकते। जिवें कि देखो उरे परसनल हाइजीन दीआं दो एग्जाम्पल्स दित्तियां होईआं ने। अगर असी रश्मि की गल करिए तो वह एक ब्यूटीशियन है। अगर वह अपनी ही साफ सफाई का ध्यान नहीं रखेगी तो बहुत ही बैड इफेक्ट पड़ेगा कस्टमर के उत्ते, क्योंकि जो वह काम कर रही है बिल्कुल कस्टमर के क्लोज होकर काम कर रही है। इस करके वह अपनी जो ब्रीथ है उसकी साफ सफाई रखती है, अपने मूँह की साफ सफाई रखती है ताकि जो उसकी सह की दुर्गंध है वह लोगों नू ना फील होवे। ओके, जो प्रशांत है एक की है रिसेप्शनिस्ट है जो कि फेस टू फेस कस्टमर्स नू हैंडल करता है तो वह हमेशा यह ध्यान दे विच रखता है कि जो उसके कपड़े ने वो साफ सुथरे हो, उस पसीने की या खाने की बदबू ना आवे। तो राजे उस तो बाद असी गल करांगे जो परसनल हाइजीन है वह क्यों इंपोर्टेंट है। तो फस्ट ऑफ ऑल अगर असी हेल्दी रहना चाहते हैं तो यह साडे लई बहुत ही ज़्यादा इंपोर्टेंट है। उस तो बाद यह साडी पब्लिक दे विच एक गुड इमेज नू क्रिएट करती है। ठीक है, असी अगर साफ सुथरे रहने हैं तो असी मीनस पब्लिक दे विच असी अपने आप के उत्ते शर्म नहीं कर सकते, लाइक बैड ब्रीथ होगी या बॉडी ऑडर होगी। ये सारी चीज़ा अगर असी हेल्दी हाँ साफ सुथरे हाँ तो असी पब्लिक दे विच असी इस चीज़ के उत्ते शर्म नहीं कर सकते। बट अगर असी हेल्दी नहीं हाँ, अगर साड़ी बैड ब्रीथ आ रही है या बॉडी ऑडर आ रही है यानी कि पसीने की बदबू होगी तो उस दे नाल सानू की होएगा, बुरा फील होएगा। नैक्सट असी गल करांगे 3 स्टैप्स ऑफ परसनल हाइजीन दे। ठीक है, जो साड़ी परसनल हाइजीन है उसते साड़े को 3 स्टैप्स ने जो कि है फर्स्ट केयर, सैकेंड वॉश एंड थर्ड इज़ अवॉयड। अगर असी केयर की गल करिए तो केयर दे विच आंदा है कीप योर हेयर फ्री ऑफ डेंड्रफ। तो असी अपने जो हेयर ने उन्होंने डेंड्रफ फ्री रखना है तो उस सानू रेगुलर लाइक ऑयल लगाना पड़ेगा या असी हफ्ते दे विच 2 बार हैड वॉश कर सकते हैं ताकि साढ़े बालों दे विच डेंड्रफ ना होवे। एंड सैकेंडली असी गल करांगे रब ऑयल क्रीम टू टेक केयर ऑफ योर स्किन। तो असी अपनी स्किन नू ड्राई नहीं दिखना तो इसलिए असी ऑयल लगा सकते हैं या कोई भी क्रीम अप्लाई कर सकते हैं अपने हैंड्स ते फीट ते या बॉडी ते। ओके, उस तो बाद गल करांगे ब्रश योर टीथ डेली। तो अपने आप दे जो मीनस ब्रश करना है असी डेली करना है। इट मीनस अगर थोड़ा टूथब्रश है अगर वो खराब हो गया है उसकी शेप अच्छी नहीं रही पहला वर्गी तो उसनू चेंज कर दो। ठीक है, तो कट योर नेल्स एवरी वीक, हर हफ्ते दे विच अपने नाखून नू कटो। उस तो बाद असी गल कर रहे हैं वॉश की, तो वॉश दे विच आंदा वॉश योर हैंड्स फ्रीक्वेंटली, अपने हत्थों नू लगातार धोते रहो। टेक बाथ एवरी डे, रोज़ नहाओ। वॉश यूअर क्लोथ रेगुलरली, अपने कपड़े नू रोज़ धो। वॉश यूअर हेयर एटलीस्ट एवरी सैकेंड डे। ठीक है, सैकेंड डे मीनस अल्टरनेटिव डेज से अपने जो हेयरस ने उन्होंने वॉश करो। वॉश यूअर फीट ऑफन, अक्सर अपने पैरों नू भी धो तुसी। ठीक है, तो अवॉयड की करना है, अवॉयड करना है ब्लो यूअर नोज कफ इन टू अ हैंडकरचीफ टू अवॉयड स्प्रैडिंग जर्म्स। जिमें कि आप गल करते हैं कि अगर सानू कफ है या सानू कोल्ड है तो अपने असी नक नू अपने हैंकी दे नाल ढक के रखना है, क्योंकि जिमें कि अजकल कोविड है तो असी सारे मास्क ही पा रहे हैं तो असी अगर नॉर्मल सिचुएशन चाँ भी असी अपने नक नू ढक के रखना है ताकि जो भी जर्म्स ने वो फैलन ना इनवायरमेंट के पीछे।
उस तो बाद असं गल करा कीप यूर फीट ड्राई एंड चेंज यूअर सॉक्स एवरी डे, अपने जो थोड़े पैर ने उन्होंने ड्राई रखो तो अपनी जो सॉक्स ने उसनू एवरी डे चेंज करो, क्योंकि अगर तुम उसनू एवरी डे चेंज नहीं करोगे तो उसके स्मैल आएगी जो कि थोड़ा पब्लिक प्लेस के थोड़ू अशेम फील हो सकता है उसके लिए। एक्सट्रा जी आप बहुत ही वधिया डायग्राम्स देख रहे हैं जिस दे विच लिखा हुआ है एसेंशियल स्टैप्स ऑफ हैंड वॉशिंग। ठीक है, ये बहुत ही अच्छे स्टैप्स दिते हुए हैं कि असी अपने हाथों को किवें धोना है, अगर असी बाहरों आ रहे हैं जो असी डेली अपने हैंड वॉश किवें करने हैं, तो तुसी इत्थे डायग्राम्स देख रहे हो कि पहला आप अपने हाथों को गीला करना है, फिर उसके उत्ते सोप अप्लाई करनी है। ठीक है, फिर अपने हैंड्स नू रब करना है पाम टू पाम, फिर असी राइट पाम नू ओवर लैफ्ट पाम के उत्ते रख के रब करना है, फिर पाम टू पाम विद फिंगरस असी रब करना है, फिर बैक टू फिंगरस ओपोजिंग पाम्स विद फिंगरस दे नाल इंटरलॉक करके असी इसनू रब करना है, फिर असी रोटेशन वाइज अपने जो भी थम्स ने लैफ्ट एंड राइट नू असी रब करना है, फिर असी इनर सरफेस रब करना है अपने पाम्स का, फिर असी की करना है थम नू यूज़ करके जो साड़ा इनर सरफेस है उसनू रब करना है, एंड उस तो बाद असी अपने हाथों नू चंगी तरह पानी नाल धोना है, फिर टॉवल दे नाल ड्राई करना है, एंड उस तो बाद अपने हाथों नू की करना है क्लीन करना है। आई होप स्टूडेंट्स तुहानू अज दा इह सैशन पसंद आया होवेगा जिस दे विच असी बहुत ही वधिया गल्लां सिखियां हाइजीन दियां, अपने हैंड वॉश किवें करने ने। ठीक है, असी 3 स्टैप सीखे ने परसनल हाइजीन दे, दैट इज केयर वॉश एंड अवॉयड। तो आई होप तुहानू अज दा इह सैशन चंगी तरह समझ आ गया होवेगा। तो नैक्सट सैशन च फिर मिलांगे, बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।